सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और दबाइए इस बेल आइकन यानी घंटी को और पाएं लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हेल्थ जागरण में। मेरा नाम है शालिनी और अभी आप देख रहे हैं न्यूट्रिशन ज्ञान। दोस्तों, साबूदाने का पूरे विश्व में आनंद उठाया जाता है। साबूदाना कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, खनिज और कार्बनिक यौगिकों का एक आवश्यक सोर्स है। इसमें सैचुरेटेड फैट, कोलेस्ट्रॉल और सोडियम बहुत कम मात्रा में पाया जाता है। यह डायट्री फाइबर का एक समृद्ध स्रोत है और इसके अलावा इसमें कुछ विटामिन बी कॉम्प्लेक्स भी शामिल है, जिनमें पेंटोथेनिक एसिड, फॉलेट और B6, साथ ही साथ आयरन, मैंगनीज, कैल्शियम, तांबा और नियम शामिल हैं। इसके एक कप सेवन से आप अपने दैनिक आवश्यकता का लगभग 45% कार्ब्स प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं साबूदाने के मुख्य फायदों के बारे में। नंबर एक, वजन बढ़ाने के लिए। अधिकांश लोगों को पतले और फिट रहने के बारे में चिंता रहती है, लेकिन बहुत से लोग स्वस्थ वजन बढ़ाने के तरीके तलाशते हैं। बहुत कम वजन वाला होना भी मोटापे की तरह खतरनाक हो सकता है और साबूदाना स्वस्थ तरीके से वजन बढ़ाने का एक आसान सा तरीका है। इसमें हाई कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। इनमें से अधिकांश कार्बोहाइड्रेट सुक्रोज के रूप में आते हैं। एक कप साबूदाना में लगभग दैनिक कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता का 45% होता है। इसका मतलब है कि आप अस्थिर कोलेस्ट्रॉल या अनसैचुरेटेड फैट के बिना अपने आहार में और कैलोरी को जोड़ सकते हैं। नंबर दो, ब्लड सर्कुलेशन में मदद। साबूदाने के सबसे मूल्यवान खनिज योगदानों में से एक है आयरन। मानव शरीर के सामान्य कार्यों के लिए आयरन आवश्यक होता है और इसकी सबसे महत्वपूर्ण भूमिका नई लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण में होती है। आयरन कॉपर के साथ मिलकर शरीर में लाल रक्त कोशिकाओं की मात्रा को बढ़ाता है, जिससे एनीमिया और उससे संबंधित स्थितियों को रोकता है। नंबर तीन, प्रेगनेंसी में उपयोगी। जन्म दोष से पैदा हुए बच्चे माता पिता के लिए दर्दनाक हो सकते हैं, इसलिए यदि संभव हो तो इसे रोकना जरूरी है। टैपियोका में बी कॉम्प्लेक्स विटामिन की एक महत्वपूर्ण मात्रा है, जिसमें फॉलिक एसिड शामिल है, जो कि शिशुओं में न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट की संभावना को कम करने के लिए सीधे जुड़ा हुआ है। पैदा होने वाले बच्चों की अच्छी सेहत के लिए साबूदाना एक कारगर दवाई है। यदि गर्भवती महिला साबूदाने का सेवन करती है तो इससे बच्चे का उचित विकास होता है। नंबर चार, पाचन के लिए। साबूदाना में डायट्री फाइबर के गुण होते हैं। फाइबर सीधे मानव शरीर के भीतर कई स्थितियों में सुधार के लिए अच्छा होता है। फाइबर मल में बल्क जोड़ता है, जो मल को पाचन तंत्र के माध्यम से पारित करने में मदद करता है, जिससे कब्ज, सूजन, आंतों का दर्द और कोलोरेक्टल कैंसर जैसी अधिक गंभीर स्थितियों को नष्ट करने में मदद मिलती है। नंबर पाँच, हड्डियों को मजबूत बनाता है। साबूदाना विटामिन के, कैल्शियम और आयरन का एक समृद्ध स्रोत है, जो सभी हड्डियों के संरक्षण और विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उम्र बढ़ने के साथ साथ बोन डेंसिटी कम हो जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस, सामान्य कमजोरी और लचीलेपन की कमी जैसी स्थिति होती है। अगर इसे नियमित रूप से लिया जाए तो यह हमारी हड्डियों को संरक्षित और विकसित करता है। नंबर छह, एनर्जी के लिए। कार्बोहाइड्रेट हमारी ऊर्जा का स्रोत है, क्योंकि सुक्रोज जैसी सरल शर्करा को प्रयोग करने योग्य ऊर्जा में विभाजित किया जाता है। साबूदाना में बड़ी मात्रा में कार्बोहाइड्रेट नकारात्मक कोलेस्ट्रॉल और संतृप्त फैट के बिना होता है, इसलिए इससे ऊर्जा का स्तर अधिक होगा और आप भूख भी महसूस नहीं करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और अगर आप नए हैं तो हमारे इस चैनल हेल्थ जागरण को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए और खुश रहिए। धन्यवाद।